नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस डू लिटिल मूवी के केवल ऑडियंस रही हूँ और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशनल कोट्स, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट और तीसरा इस डू लिटिल मूवी के ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोट्स आपकी लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा। और इस डू लिटिल मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं, उसको देखने के बाद मैं आपको इस डू लिटिल मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने इस प्रकार के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोर्स, आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोर्स, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। कि आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिल आवाज़ देगी सफ़र जारी रखो। कि मंजिल आवाज़ देगी सफ़र जारी रखो। दूसरा मोटिवेशनल कोट्स, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे। कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, या तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार, जब जीत का इंतज़ार मेरी माँ कर रही है, जब जीत का इंतज़ार मेरी माँ कर रही है। टॉम हॉलैंड की साल 2022 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2020 में रिलीज हुई डू लिटिल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था डू लिटिल मूवी था। जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि डू लिटिल मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 41 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 41 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। Google यूज़र्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूज़र्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.6 हैं। और इस मूवी की रिलीज डेट 17 जनवरी 2020 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर स्टेफन गगन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं डू लिटिल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डू लिटिल रिव्यू, माय रेटिंग ऑफ दिस कम बैक एंड गुड स्टेफन गगन डायरेक्टर हिज 2020 एग्जिट एडवेंचरी द फ्यूचर स्टार स्टूपिड कास्ट एंड गुड स्कोर द एटलिस्ट एडेप्शन ऑफ हंज लोटिंग ऑफ दिस नोवल एंड रॉबर्ट डोनी जूनियर स्टार्स एज द टिटुलर ऑफ डायरेक्टर डू लिटिल हु आफ्टर सफरिंग ए ट्रेगिक लॉस एंड क्लोज द डोर्स होप दिस एनिमल सेंचुरी ऑफ दिस बिकम ए गुड थिंक अबाउट एंड फाइंड ए मेजिकल ट्री दैट होल्ड्स पावर टू क्यूर द क्यून ऑफ इंग्लैंड द जनरी डोंट ऑप दिस इजी आइसलैंड द सिक्स हैज नोट दिस प्रीवियस मिशन आर गुड थिंक अबाउट ऑप RJD गिव्स ए ब्रिलियंट पोर्टेबल ऑफ द डॉक्टर दैट कंप्रेजेशन बाय द क्यू
सॉल्यूशन अवेलेबल वाज नॉट डिसेंट हाउ एवर हिज परफॉर्मेंस वू नॉट विनिंग डोने एंड एनी अवार्ड्स नॉट दिस लॉन्ग शॉट न्यू कमर हैरी कलेक्ट गिव्स ऑफ दिस गुड डू लिटिल इज नॉट ए फिल्म टू टेकन ऑफ सीरियसली इज मोरी जस्ट यूनिवर्सल अटैम्प्ट बाई प्रोवाइडिंग 130 minutes ऑफ दिस चाइल्ड फ्रेंडली इकोसोप ऑफ दिस गुड एंड पर्टिकुलर एनिमेटेड टूवर्ड्स अडल्ट बट द कलरफुल वाइब्रेंट सिनेमाटोग्राफी मेक्स मी एन एडॉप्शन ऑफ व्यूजफुल फीस्ट फॉर चिल्ड्रन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ड्यू द इट इज लाइट हार्ट बेलेस ऑफ दिस डू लिटिल डज नॉट डील ऑफ दिस थ्री ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट ड्रॉपिंग ट्राइपिंग ऑफ दिस यू योर वॉचिंग स्कोर ऑफ ओवरऑल स्टेप गगन एंड डू लिटिल इज वाइब्रेट फैमिली फ्रेंडली आफ्टर ऑफ दिस एलिमिनेट ऑफ ऑल द एज 131 ओपनिट्स ऑफिसर जीनियस एसिनसमार ऑफ टैलेंटेड कास्ट ऑफ दिस रॉबर्ट डोनी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड वाट आई पर्सनली थिंक दैट मस्ट ऑफ एंड सिटीजन ए लाइक मिस इन माई ओपिनियन इज मच लाइक डू लिटिल द पोलोट इज गुड मोस्टली यूनिवर्स ऑफ इट सेल्फ बट ऑफ दिस टूगेदर बट फ्रेंड्स इट सेल्फ द एंड्स एंड एवरीथिंग ऑफ दिस गुड टूगेदर ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन हैव ओप दिस डू लिटिल आई हैव ए रोमांटिक जनरी एंड गुड थिंक अबाउट आई लव दिस आई थ्रू आउट इट वॉज लवली लिटिल वोम स्केगल फिल्म ओप दिस जीनियस एनिमल एंड ब्यूटिफुल सीन्स मारो द स्टोरी इज सिंपल बट इफेक्टिव एंड हाईली एंटरटेनिंग द एनिमल ग्राफिक्स वेरी फैंटेस्टी अब्सूटली वंडरफुल डन एंड द डिजाइन ऑफ द सेंचुरी ओप दिस वॉज क्यूट मेजिकल द लिटिल नाइस एंड ट्रेंड्स वेरी डिलाइटफुल लिटिल एडिशन ओप दिस हाउस रियली डू not understand why people say this movie is awful of I was found is I throughout enjoy available watch this of this good one key of this robot and good think about meaningful natural of this adventure super film of this movie actually note of this few minutes of call of this good I like the film because of it gives and good adventure and something we don't of usually see but this film I was definitely missing emotional when the little boy was kissed by the little girl has just stood there are good claim of renew of this boy and yet did nothing and when the tiger berry and was introduction there was no exit of fear of what of going to happen it next it just of this good had mummy issue the movie was not like the trailer and definitely could have used more democratic music especially when this boy and had good think about get past the sleeping lions a good few things very and sense available like the democratic complaining about the girlfriend dreaming of this him and waking up to the lion of leading on the good and chamber of this good think about somehow days of disaster and good was definitely personality amazing of remix I good do recommended watching this movie for this family movie night at definitely is good but there were few many things that could have been work on good job to all who made the movie congratulations and I hope when making your next movie your consideration these things as pull up this audience heart bring at this good their fair style this movie was much of this Arthul film it will become one of this all time greats you silly and super funny incident I think all the actors and actress were incredible and a 5-star for sure did and a great movie for all time for anyone who prize friendship intelligence and the portrayal of life in this love and teamwork kids and adults with lung a like of this the animal animation of flawless a great film with a great story lots of fantastic lands as well done very ligament is of this good storyline telling of this survival I watchable this last few minutes of this very fantastic I love it very nice and Robert Downey Jr. is another role Bidmas of Iron Man the cast she was so much fun of this so many lovely especially for kids there is nothing too little did too little for this it was really will act the animal very funny and silly exit was and children
चिल्ड्रन बुक वुड हैव बीन दिस रियली एंड सुपर संडे आफ्टरनून व्यू ऑफ दिस गुड ए नाइस एंड टच टैल ऑफ रतिरामन ऑफ दिस गुड एंड गुड थिंक अबाउट कंपलिंग ए कंप्लीटली एंजॉय दिस मूवी एज वन आई कुड बॉय एंड वॉच मैनी टाइम्स आर डी जे हैज बिकम वन ऑफ दिस वेरी फेवरेट फ्रॉम दिस ईयर एज आयरन मैन बट आई गिव बिग कूडोज टू द होल कास्ट इन द वर्ल्ड विदाउट विजार्ड्स एंड वॉन्स ऑफ दिस ड्रैगन वर्क ऑफ दिस एनअप एंड गिव कंसीडरेशन डेप्थ ऑफ दिस एनिमल ब्रेड करैक्टर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिफ्रेशिंग अडेप्शन फॉर दिस करैक्टर हु वाज बिट वॉरिड ऑफ दिस वेरी एनिमल्स रॉबर्ट डोनी जूनियर हिलेरियस एंड अडल्ट ऑफ दिस गुड फैंटास्टिक सपोर्टिंग डू लिटिल सी इज और स्किप एंड व्यू डू लिटिल इज न्यू रोबोट ऑफ दिस सम क्लासिकल एंड इज मूवी स्टार्टिंग आर डी जे एंड ए लिस्ट ऑफ डिसेंट एक्ट्रेस विच इज एब्सोल्युटली डू लिटिल एंड दिस एनिमल हु टू अनोदर हु मैंस डू दैट ऑफ दिस गो ऑन इपिक एडवेंचर विच डज नॉट हैव सम इंटेंसिटी मूवमेंट्स लाइक वन आई गो ट्रीफ्राइड ऑफ दिस वेरी वॉयलेंस इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट लाइफ सो अबाउट फोर पॉजिटिव मैसेज आई विल टिल दैट द मैसेज इज द डू लिटिल सेज एंड दिस डूड ऑफ लैंग्वेज वेयर ऑफ दिस गुड एंड टॉकिंग अबाउट वॉयलेंस सेलेक्शन ऑफ दिस कुड हैव बीन अलॉट बेटर ग्राफिक्स एंड सीट ग्रेट एंड अप सम व्यूज ऑफ दिस टू फास्ट पेस ऑफ दिस इश्यू दैट नाइस फ्रेमवर्क ऑफ दिस सिटीजन वी रेड द रिव विथ ए अगेन सो साल्ट द रिव डिपेंड्स ऑफ दिस वेरी फैंटेस्टिक कुडोज टू द केयरफुल ए फुल एंजॉय अवेलेबल फैमिली मूवी रियली ग्लैंड दैट आई इग्नोर सटिस्फेस सिटीजन वॉच इन विथ माई 6 year old son and we both and had a very good time no need to worry about and contents country to the any of thom superhero movie of this good thing about full of this very it was very enjoyable film साल 2020 में रिलीज हुई डू लिटिल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था डू लिटिल मूवी था। जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि डू लिटिल मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 41 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 41 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो Google यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.6 है और इस मूवी की रिलीज डेट 17 जनवरी 2020 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर स्टेफन गगन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं डू लिटिल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डू लिटिल रिव्यू माय रेटिंग ऑफ दिस कमबैक एंड गुड स्टेफन गगन डायरेक्टर हिज 2020 एग्जिट एडवेंचर द फ्यूचर ए स्टार स्टूपिड कास्ट एंड गुड स्कोर द एटलीस्ट एडेप्शन ऑफ हंज लोटिंग ऑफ दिस नोवल एंड रॉबर्ट डोनी जूनियर स्टार्स एज द टिटुलर ऑफ डायरेक्टर डू लिटिल हु आफ्टर सफरिंग ए ट्रेगिक लॉस एंड क्लोज द डोर्स होप दिस एनिमल सेंचुरी ऑफ दिस बिकम ए गुड थिंक अबाउट एंड फाइंड ए मैजिकल ट्री दैट होल्ड्स पावर टू क्योर द क्यून ऑफ इंग्लैंड द जनरी डोंट ऑफ दिस इजी आइसलैंड द सिक्स हैज नोट दिस प्रीवियस मिशन आर गुड थिंक अबाउट ऑफ RJD गिव्स ए ब्रिलियंट पोर्टेबल ऑफ द डॉक्टर दैट कंपेरिजन बाय द क्वेश्चन
अवेलेबल वाज नॉट डिसेंट हाउ एवर हिज परफॉर्मेंस वो नॉट विनिंग डोने एंड एनी अवार्ड्स नॉट दिस लॉन्ग शॉट न्यू कमर हैरी कलेक्ट गिव्स ऑफ दिस गुड डू लिटिल इज नॉट ए फिल्म टू टेकन ऑफ सीरियसली इज मोरी जस्ट यूनिवर्सल अटेम्प्ट बाई प्रोवाइडिंग 130 minutes ऑफ दिस चाइल्ड फ्रेंडली इकोसोप ऑफ दिस गुड एंड पर्टिकुलर एनिमेटेड टूवर्ड्स अडल्ट बट द कलरफुल वाइब्रेंट सिनेमाटोग्राफी मेक्स मी एन एडॉप्शन ऑफ ब्यूटीफुल फीस्ट फॉर चिल्ड्रन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ड्यू द इट इज लाइट हार्ट ब्लेस ऑफ दिस डू लिटिल डज नॉट डील ऑफ दिस थ्री ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट ड्रॉपिंग ट्राइपिंग ऑफ दिस यू योर वॉचिंग स्कोर ऑफ ओवरऑल स्टेप गगन एंड डू लिटिल इज वाइब्रेट फैमिली फ्रेंडली आफ्टर ऑफ दिस एलिमिनेट ऑफ ऑल द एज 131 ऑफ निट्स ऑफिसर जीनियस एसिन स्मार ऑफ टैलेंटेड कास्ट ऑफ दिस रॉबर्ट डोनी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड वाट आई पर्सनली थिंक दैट मस्ट ऑफ एंड सिटीजन ए लाइक मिस इन माई ओपिनियन इज मच लाइक डू लिटिल द पोलोट इज गुड मोस्टली यूनिवर्स ऑफ इट सेल्फ बट ऑफ दिस टूगेदर बट फ्रेंड्स इट सेल्फ द एंड्स एंड एवरीथिंग ऑफ दिस गुड टूगेदर ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन हैव ओप दिस डू लिटिल आई हैव ए रोमांटिक जनरी एंड गुड थिंक अबाउट आई लव दिस आई थ्रू आउट इट वॉज लवली लिटिल वोम स्केगल फिल्म ओप दिस जीनियस एनिमल एंड ब्यूटिफुल सीन्स मारो द स्टोरी इज सिंपल बट इफेक्टिव एंड हाईली एंटरटेनिंग द एनिमल ग्राफिक्स वेरी फैंटेस्टी अब्सूटली वंडरफुल डन एंड द डिजाइन ऑफ द सेंचुरी ओप दिस वॉज क्यूट मेजिकल द लिटिल नाइस एंड ट्रेंस वेरी डिलाइटफुल लिटिल एडिशन ओप दिस हाउस रियली डू not understand why people say this movie is awful of I was found is I throughout enjoy available watch this of this good one key of this robot and good think about meaningful natural of this adventure super film of this movie actually note of this few minutes of call of this good I like the film because of it gives and good adventure and something we don't of usually see but this film I was definitely missing emotional when the little boy was kissed by the little girl has just stood there are good claim of renew of this boy and yet did nothing and when the tiger berry and was introduction there was no exit of fear of what of going to happen it next it just of this good had mummy issue the movie was not like the trailer and definitely could have used more democratic music especially when this boy and had good think about get past the sleeping lions a good few things very and sense available like the democratic complaining about the girlfriend dreaming of this him and waking up to the lion of leading on the good and chamber of this good think about somehow days of disaster and good was definitely personality amazing of remix I good do recommended watching this movie for this family moving night at definitely is good but there were few many things that could have been work on good job to all who made the movie congratulations and I hope when making your next movie or consideration these things as pull off this audience heart bring at this good their fairy style this movie was much of this Arthul film it will become one of this all time greats you still and super funny incident I think all the actors and actress very incredible and a 5-star for sure did and a great movie for all time for anyone who prize friendship intelligence and the portrayal of life in this love and teamwork kids and adults with lung a like of this the animal animation of flawless a great film with a great story lots of fantastic lands as well done very ligament is of this good storyline telling of this survival I watchable this last few minutes of this very fantastic I love it very nice and Robert Downey Jr. is another role with mass of Iron Man the cast she was so much fun of this so many lovely especially for kids there is nothing too little did too little for this it was really will act the animal very funny and silly exit was and
चिल्ड्रन बुक वुड हैव बीन दिस रियली एंड सुपर संडे आफ्टरनून व्यू ऑफ दिस गुड ए नाइस एंड टचिंग टेल ऑफ रतिरामन ऑफ दिस गुड एंड गुड थिंक अबाउट कंप्लिंग ए कंप्लीटली एंजॉय दिस मूवी एज वन आई कुल्ड बॉय एंड वॉच मैनी टाइम्स आर डी जे हैज बिकम वन ऑफ दिस वेरी फेवरेट फ्रॉम दिस ईयर एज आयरन मैन बट आई गिव बिग कूडोज टू द होल कास्ट इन द वर्ल्ड विदाउट विजार्ड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ दिस ड्रैगन वर्क ऑफ दिस एनअप एंड गिव कंसीडरेशन डेप्थ ऑफ दिस एनिमल ब्रेड करैक्टर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिफ्रेशिंग अडेप्शन फॉर दिस करैक्टर हु वाज बिट वॉरिड ऑफ दिस वेरी एनिमल्स रॉबर्ट डोनी जूनियर हिलेरियस एंड अडल्ट ऑफ दिस गुड फैंटास्टिक सपोर्टिंग डू लिटिल सी इज और स्किप एंड व्यू डू लिटिल इज न्यू रोबोट ऑफ द सम क्लासिकल एंड इज मूवी स्टार्टिंग आर डी जे एंड ए लिस्ट ऑफ डिसेंट एक्ट्रेस विच इज एब्सोल्युटली डू लिटिल एंड दिस एनिमल हु टू अनोदर ह्यूमंस डू दैट ऑफ दिस गो ऑन एपिक एडवेंचर विच डज नॉट हैव सम इंटेंसिटी मूवमेंट्स लाइक वन आई गो ट्रिफ्राइड ऑफ दिस वेरी वॉयलेंस इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट लाइफ सो अबाउट फोर पॉजिटिव मैसेज आई विल टिल दैट द मैसेज इज द डू लिटिल सेज एंड दिस डूड ऑफ लैंग्वेज वेयर ऑफ दिस गुड एंड टॉकिंग अबाउट वॉयलेंस सिलेक्शन ऑफ दिस कुल्ड हैव बीन अलॉट बेटर ग्राफिक्स एंड सीट ग्रेट एंड अप सम व्यूज ऑफ दिस टू फास्ट पेस ऑफ दिस इश्यू दैट नाइस फ्रेमवर्क ऑफ दिस सिटीजन वी रेड The review with a again so salt the review depends of this very fantastic kudos to the careful a full enjoy available family movie really glad that I ignore Satisfied Citizen watch in with my 6 year old son and we both and had a very good time no need to worry about and contents countering to the any of Tom superhero movie of this good think about full of this very it was very enjoyable film साल 2020 में रिलीज हुई डू लिटिल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था डू लिटिल मूवी था। जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि डू लिटिल मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 41 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 41 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.6 है और इस मूवी की रिलीज डेट 17 जनवरी 2020 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर स्टेफन गगन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं डू लिटिल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डू लिटिल रिव्यू माय रेटिंग ऑफ दिस कमबैक एंड गुड स्टेफन गगन डायरेक्टर हिज 2020 एग्जिट एडवेंचर द फ्यूचर ए स्टार स्टूपिड कास्ट एंड गुड स्कोर द एटलीस्ट एडेप्शन ऑफ हंस लोटिंग ऑफ दिस नॉवल एंड रॉबर्ट डोनी जूनियर स्टार्स एज द टिटुलर ऑफ डायरेक्टर डू लिटिल हु आफ्टर सफरिंग ए ट्रेजिक लॉस एंड क्लोज द डोर्स होप दिस एनिमल सेंचुरी ऑफ दिस बिकम ए गुड थिंक अबाउट एंड फाइंड ए मैजिकल ट्री दैट होल्ड्स पावर टू क्यूर द क्यून ऑफ इंग्लैंड द जनरी डोंट ऑफ दिस इजी आइसलैंड द सिक्स हैज नोट दिस प्रीवियस मिशन आर गुड थिंक अबाउट ऑफ RJD गिव्स ए ब्रिलियंट पोर्टेबल ऑफ द डॉक्टर दैट कंपैरिजन बाय द क्यू
क्वेश्चन अवेलेबल वाज नॉट डिसेंट हाउ एवर हिज परफॉर्मेंस वो नॉट विनिंग डोने एंड एनी अवार्ड्स नॉट दिस लॉन्ग शॉट न्यू कमर हैरी कलेक्ट गिव्स ऑफ दिस गुड डू लिटिल इज नॉट ए फिल्म टू टेकन ऑफ सीरियसली इज मोरी जस्ट यूनिवर्सल अटेम्प्ट बाई प्रोवाइडिंग 130 minutes ऑफ दिस चाइल्ड फ्रेंडली इकोसोप ऑफ दिस गुड एंड पर्टिकुलर एनिमेटेड टूवर्ड्स अडल्ट बट द कलरफुल वाइब्रेंट सिनेमाटोग्राफी मेक्स मी एन एडॉप्शन ऑफ ब्यूटिफुल फीस्ट फॉर चिल्ड्रन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ड्यू द इट इज लाइट हार्ट ब्लेस ऑफ दिस डू लिटिल डज नॉट डील ऑफ दिस थ्री ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट ड्रॉपिंग ट्राइपिंग ऑफ दिस यू योर वॉचिंग स्कोर ऑफ ओवरऑल स्टेप गगन एंड डू लिटिल इज वाइब्रेट फैमिली फ्रेंडली आफ्टर ऑफ दिस एलिमिनेट ऑफ ऑल द एज 131 ऑफ नीड्स ऑफिसर जीनियस एसिनसमार ऑफ टैलेंटेड कास्ट ऑफ दिस रॉबर्ट डोनी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड वाट आई पर्सनली थिंक दैट मस्ट ऑफ एंड सिटीजन ए लाइक मिस इन माई ओपिनियन इज मच लाइक डू लिटिल द पोलोट इज गुड मोस्टली यूनिवर्स of itself but of this together but friends itself the ends and everything of this good together of this I have every scene Have op this do little I have a romantic journey and good thing about I love this I throughout it was lovely little whims skeggle film op this genius animal and beautiful scenes maro the story is simple but effective and highly entertaining the animal graphics very fantastic absolutely wonderful done and the design of the sanctuary op this was cute magical the little nice and trends very delightful little addition op this house really do not understand why people say this movie is awful op I was found is I throughout enjoyable watch this op this good one key op this robot and good think about meaningful natural op this adventure super film op this movie actually not op this few minutes op call op this good I like the film because op it gives and good adventure and something we don't op usually see but this film I was definitely missing emotional when the little boy was kissed by the little girl has just stood there are good claim of renew of this boy and yet did nothing and when the tiger berry and was introduction there was no exit of fear of what of going to happen it next it just of this good had mummy issue the movie was not like the trailer and definitely could have used more democratic music especially when this boy and had good think about get past the sleeping lions a good few things very and sense available like the democratic complaining about the girlfriend dreaming of his home and waking up to the lion of leading on on the good and chamber of this good think about somehow this of disaster and good was definitely personality amazing of remix I good do recommended watching this movie for this family movie night at definitely is good but there were few many things that could have been work on good job to all who made the movie congratulations and I hope when making your next movie or consideration these things as pull off this audience heart bring at this good their fair style this movie was much of this Arthul film it will become one of this all time greats you still and super funny incident I think all the actors and actress very incredible and a 5-star for sure did and a great movie for all time for anyone who prize friendship intelligence and the portrayal of life in this love and teamwork kids and adults with lunk a like of this the animal animation of flawless a great film with a great story lots of fantastic lands as well done very ligament is of this good storyline telling of this survival I watchable this last few minutes of this very fantastic I love it very nice and Robert Downey Jr. is another role with mass of Iron Man the cast she was so much fun of this so many lovely especially for kids there is nothing do little did do little for this it was really will act the animal very funny and silly exit was and children
चिल्ड्रन बुक वुड हैव बीन दिस रियली एंड सुपर संडे आफ्टरनून व्यू ऑफ दिस गुड एंड गुड ए नाइस एंड टच टैल ऑफ रतिरामन ऑफ दिस गुड एंड गुड थिंक अबाउट कंप्लिंग ए कंप्लीटली एंजॉय दिस मूवी एज वन आई कुल्ड बॉय एंड वॉच मैनी टाइम्स आर डीजे हैज बिकम वन ऑफ दिस वेरी फेवरेट फ्रॉम दिस ईयर एज आयरन मैन बट आई गिव बिग कूडोज टू द होल कास्ट इन द वर्ल्ड विदाउट विजार्ड्स एंड वॉन्स ऑफ दिस ड्रैगन वर्क ऑफ दिस एनअप एंड गिव कंसीडेशन डेप्थ ऑफ दिस एनिमल ब्रेड करैक्टर अब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिफ्रेशिंग एडेप्शन फॉर दिस करैक्टर हु वॉज बिट वॉरिड ऑफ दिस वेरी एनिमल्स रॉबर्ट डोनी जूनियर हिलेरियस एंड एडल्ट ऑफ दिस गुड फैंटास्टिक सपोर्टिंग डू लिटिल सी इज और स्कीप एंड व्यू डू लिटिल इज न्यू रोबोट ऑफ दिस सम क्लासिकल एंड इज मूवी स्टार्टिंग आर डीजे एंड ए लिस्ट ऑफ डिसेंट एक्ट्रेस विच इज अब्सोल्युटली डू लिटिल एंड दिस एनिमल हु टू अनोदर ह्यूमंस डू दैट ऑफ दिस गो ऑन एपिक एडवेंचर विच डज नॉट हैव सम इंटेंसिटी मूवमेंट्स लाइक वन आई गो ट्रिफ्राइड ऑफ दिस वेरी वॉयलेंस इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट लाइफ सो अबाउट फोर पॉजिटिव मैसेज आई विल टिल दैट द मैसेज इज द डू लिटिल सेज एंड दिस डूड ऑफ लैंग्वेज वेयर ऑफ दिस गुड एंड टॉकिंग अबाउट वॉयलेंस सिलेक्शन ऑफ दिस कुल्ड हैव बीन अलॉट बेटर ग्राफिक्स एंड सीट ग्रेट एंड अप सम व्यूज ऑफ दिस टू फास्ट पेस ऑफ दिस इश्यू दैट नाइस फ्रेमवर्क ऑफ दिस सिटीजन वी रेड The review with a again so salt the review depends of this very fantastic kudos to the careful a full enjoyable family movie really glad that I ignore Satisfied Citizen watch in with my 6 year old son and we both and had a very good time no need to worry about and contents to the any of Tom superhero movie of this good thing about full of this very it was very enjoyable film साल 2020 में रिलीज हुई डू लिटिल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था डू लिटिल मूवी था। जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि डू लिटिल मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 41 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 41 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.6 है और इस मूवी की रिलीज डेट 17 जनवरी 2020 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर स्टेफन गगन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं डू लिटिल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डू लिटिल रिव्यू माय रेटिंग ऑफ दिस कमबैक एंड गुड स्टेफन गगन डायरेक्टर हिज 2020 एग्जिट एडवेंचर द फ्यूचर ए स्टार स्टूपिड कास्ट एंड गुड स्कोर द एटलीस्ट एडेप्शन ऑफ हंस लोटिंग ऑफ दिस नोवल एंड रॉबर्ट डोनी जूनियर स्टार्स एज द टिटुलर ऑफ डायरेक्टर डू लिटिल हु आफ्टर सफरिंग ए ट्रेगिक लॉस एंड क्लोज द डोर्स होप दिस एनिमल सेंचुरी ऑफ दिस बिकम ए गुड थिंक अबाउट एंड फाइंड ए मैजिकल ट्री दैट होल्ड्स पावर टू क्यूर द क्यून ऑफ इंग्लैंड द जनरी डोंट ऑफ दिस इजी आइसलैंड द सिक्स हैज नोट दिस प्रीवियस मिशन आर गुड थिंक अबाउट ऑफ RJD गिव्स ए ब्रिलियंट पोर्टेबल ऑफ द डॉक्टर दैट कंपेरिजन बाय द क्यू
सॉल्यूशन अवेलेबल वाज नॉट डिसेंट हाउ एवर हिज परफॉर्मेंस वो नॉट विनिंग डोने एंड एनी अवार्ड्स नॉट दिस लॉन्ग शॉट न्यू कमर हैरी कलेक्ट गिव्स ऑफ दिस गुड डू लिटिल इज नॉट ए फिल्म टू टेकन ऑफ सीरियसली इज मोरी जस्ट यूनिवर्सल अटेम्प्ट बाई प्रोवाइडिंग 130 minutes ऑफ दिस चाइल्ड फ्रेंडली इकोसोप ऑफ दिस गुड एंड पर्टिकुलर एनिमेटेड टूवर्ड्स अडल्ट बट द कलरफुल वाइब्रेंट सिनेमाटोग्राफी मेक्स मी एंड अडॉप्शन ऑफ ब्यूटिफुल फीस्ट फॉर चिल्ड्रन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ड्यू द इट इज लाइट हार्ट ब्लेस ऑफ दिस डू लिटिल डज नॉट डील ऑफ दिस थ्री ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट ड्रॉपिंग ट्राइपिंग ऑफ दिस यू योर वॉचिंग स्कोर ऑफ ओवरऑल स्टेप गगन एंड डू लिटिल इज वाइब्रेट फैमिली फ्रेंडली आफ्टर ऑफ दिस एलिमिनेट ऑफ ऑल द एज 131 ऑफ निट्स ऑफिसर जीनियस एसिन्स मार ऑफ टैलेंटेड कास्ट ऑफ दिस रॉबर्ट डोनी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड वाट आई पर्सनली थिंक दैट मस्ट ऑफ एंड सिटीजन ए लाइक मिस इन माई ओपिनियन इज मच लाइक डू लिटिल द पोलोट इज गुड मोस्टली यूनिवर्स ऑफ इट सेल्फ बट ऑफ दिस टूगेदर बट फ्रेंड्स इट सेल्फ द एंड्स एंड एवरीथिंग ऑफ दिस गुड टूगेदर ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन हैव ओप दिस डू लिटिल आई हैव ए रोमांटिक जनरी एंड गुड थिंक अबाउट आई लव दिस आई थ्रू आउट इट वॉज लवली लिटिल वोम्स स्केगल फिल्म ओप दिस जीनियस एनिमल एंड ब्यूटिफुल सीन्स मारो द स्टोरी इज सिंपल बट इफेक्टिव एंड हाईली एंटरटेनिंग द एनिमल ग्राफिक्स वेरी फैंटेस्टी अब्सूटली वंडरफुल डन एंड द डिजाइन ऑफ द सेंचुरी ऑफ दिस वॉज क्यूट मेजिकल द लिटिल नाइस एंड ट्रेंड्स वेरी डिलाइटफुल लिटिल एडिशन ऑफ दिस हाउस रियली डू not understand why people say this movie is awful of I was found is I throughout enjoy available watch this of this good one key of this robot and good think about meaningful natural of this adventure super film of this movie actually note of this few minutes of call of this good I like the film because of it gives and good adventure and something we don't of usually see but this film I was definitely missing emotional when the little boy was kissed by the little girl has just stood there or good claim of renew of this boy and yet did nothing and when the tiger berry and was introduction there was no exit of fear of what of going to happen it next it just of this good had mummy issue the movie was not like the trailer and definitely could have used more democratic music especially when this boy and had good think about get past the sleeping lions a good few things very and sense available like the democratic complaining about the girlfriend dreaming of this him and waking up to the lion of leading on the good and chamber of this good think about somehow days of disaster and good was definitely personality amazing of remax I good do recommended watching this movie for this family movie night at definitely is good but there were few many things that could have been work on good job to all who made the movie congratulations and I hope when making your next movie your consideration these things as pull up this audience heart bring at this good their fairy style this movie was much of this Arthul film it will become one of this all time greats you still and super funny incident I think all the actors and actress very incredible and a 5-star for sure did and a great movie for all time for anyone who prize friendship intelligence and the portable of life in this love and teamwork kids and adults with lung a like of this the animal animation of flawless a great film with a great story lots of fantastic lands as well done very ligament is of this good storyline telling of this survival I watchable this last few minutes of this very fantastic I love it very nice and Robert Downey Jr. is another role Bidmas of Iron Man the cast she was so much fun of this so many lovely especially for kids there is nothing too little did too little for this it was really will act the animal very funny and silly exit was and children
चिल्ड्रन बुक वुड हैव बीन दिस रियली एंड सुपर संडे आफ्टरनून व्यू ऑफ दिस गुड एंड गुड ए नाइस एंड टच टैल ऑफ रतिरामन ऑफ दिस गुड एंड गुड थिंक अबाउट कंप्लिंग ए कंप्लीटली एंजॉय दिस मूवी एज वन आई कुल्ड बॉय एंड वॉच मैनी टाइम्स आर डी जे हैज बिकम वन ऑफ दिस वेरी फेवरेट फ्रॉम दिस ईयर एज आयरन मैन बट आई गिव बिग कूडोज टू द होल कास्ट इन द वर्ल्ड विदाउट विजार्ड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ दिस ड्रैगन वर्क ऑफ दिस एन अप एंड गिव कंसीडरेशन डेप्थ ऑफ दिस एनिमल ब्रेड करैक्टर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिफ्रेशिंग अडेप्शन फॉर दिस करैक्टर हु वॉज बिट वॉरिड ऑफ दिस वेरी एनिमल्स रॉबर्ट डोनी जूनियर हिलेरियस एंड अडल्ट ऑफ दिस गुड फैंटास्टिक सपोर्टिंग डू लिटिल सी इज और स्किप एंड व्यू डू लिटिल इज न्यू रोबोट ऑफ दिस सम क्लासिकल एंड इज मूवी स्टार्टिंग आर डी जे एंड ए लिस्ट ऑफ डिसेंट एक्ट्रेस विच इज एब्सोल्युटली डू लिटिल एंड दिस एनिमल हु टू अनोदर ह्यूमंस डू दैट ऑफ दिस गो ऑन एपिक एडवेंचर विच डज नॉट हैव सम इंटेंसिटी मूवमेंट्स लाइक वन आई गो ट्रीफ्राइड ऑफ दिस वेरी वॉयलेंस इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट लाइफ सो अबाउट फोर पॉजिटिव मैसेज आई विल टिल दैट द मैसेज इज द डू लिटिल सेज एंड दिस डूड ऑफ लैंग्वेज वेयर ऑफ दिस गुड एंड टॉकिंग अबाउट वॉयलेंस सेलेक्शन ऑफ दिस कुल्ड हैव बीन अलॉट बेटर ग्राफिक्स एंड सीट ग्रेट एंड अप सम व्यूज ऑफ दिस टू फास्ट पेस ऑफ दिस इश्यू दैट नाइस फ्रेमवर्क ऑफ दिस सिटीजन वी रेड द रिव विथ ए अगेन सो साल्ट द रिव डिपेंड्स ऑफ दिस वेरी फैंटेस्टिक कुडोज टू द केयरफुल ए फुल एंजॉय अवेलेबल फैमिली मूवी रियली ग्लैंड दैट आई इग्नोर सटिस्फेस सिटीजन वॉच इन विथ माई 6 year ओल्ड सन एंड वी बोथ एंड हैड ए वेरी गुड टाइम नो नीड टू वोरी अबाउट एंड कंटेंस कंट्री टू द एनी ऑफ थॉम सुपर हीरो मूवी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट फुल ऑफ दिस वेरी इट वॉज वेरी एंजॉयबल फिल्म। साल 2020 में रिलीज हुई डू लिटिल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था डू लिटिल मूवी था। जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि डू लिटिल मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 41 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 41 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 5.6 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 17 जनवरी 2020 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर स्टेफन गगन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं डू लिटिल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डू लिटिल रिव्यू माय रेटिंग ऑफ दिस कमबैक एंड गुड स्टेफन गगन डायरेक्टर हिज 2020 एग्जिट एडवेंचर द फ्यूचर ए स्टार स्टूपिड कास्ट एंड गुड स्कोर द एटलीस्ट एडेप्शन ऑफ हंस लोटिंग ऑफ दिस नोवल एंड रॉबर्ट डोनी जूनियर स्टार्स एज द टिटुलर ऑफ डायरेक्टर डू लिटिल हु आफ्टर सफरिंग ए ट्रेगिक लॉस एंड क्लोज द डोर्स होप दिस एनिमल सेंचुरी ऑफ दिस बिकम ए गुड थिंक अबाउट एंड फाइंड ए मैजिकल ट्री दैट होल्ड्स पावर टू क्योर द क्यून ऑफ इंग्लैंड द जनरी डोंट ऑफ दिस इजी आइसलैंड द सिक्स हैज नोट दिस प्रीवियस मिशन आर गुड थिंक अबाउट ऑफ RJD गिव्स ए ब्रिलियंट पोर्टेबल ऑफ द डॉक्टर दैट कंपेरिजन बाय द क्यू
सोल्यूशन अवेलेबल वाज नॉट डिसेंट हाउ एवर हिज परफॉर्मेंस हु नॉट विनिंग डोने एंड एनी अवार्ड्स नॉट दिस लॉन्ग शॉट न्यू कमर हैरी कलेक्ट गिव्स ऑफ दिस गुड डू लिटिल इज नॉट ए फिल्म टू टेकन ऑफ सीरियसली इज मोरी जस्ट यूनिवर्सल अटेम्प्ट बाई प्रोवाइडिंग 130 minutes ऑफ दिस चाइल्ड फ्रेंडली इकोसोप ऑफ दिस गुड एंड पर्टिकुलर एनिमेटेड टूवर्ड्स एडल्ट बट द कलरफुल वाइब्रेंट सिनेमाटोग्राफी मैक्स मी एंड एडॉप्शन ऑफ ब्यूटीफुल फीस्ट फॉर चिल्ड्रन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ड्यू द इट इज लाइट हार्ट ब्लेस ऑफ दिस डू लिटिल डज नॉट डील ऑफ दिस थ्री ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट ड्रॉपिंग ट्राइपिंग ऑफ दिस यू योर वॉचिंग स्कोर ऑफ ओवरऑल स्टेप गगन एंड डू लिटिल इज वाइब्रेट फैमिली फ्रेंडली आफ्टर ऑफ दिस एलिमिनेट ऑफ ऑल द एज 131 ऑफ नीड्स ऑफिसर जीनियस एसिनसमार ऑफ टैलेंटेड कास्ट ऑफ दिस रॉबर्ट डोनी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड वाट आई पर्सनली थिंक दैट मस्ट ऑफ एंड सिटीजन ए लाइक मिस इन माई ओपिनियन इज मच लाइक डू लिटिल द पोलोट इज गुड मोस्टली यूनिवर्स of itself but of this together but friends itself the ends and everything of this good together of this I have every scene Have hope this do little I have a romantic journey and good think about I love this I throughout it was lovely little poems is kegel film of this genius animal and beautiful scenes maro the story is simple but effective and highly entertaining the animal graphics very fantastic absolutely wonderful done and the design of the sanctuary of this was cute magical the little nice and trends very delightful little addition of this house really do not understand why people say this movie is awful of I was found is I throughout enjoy available watch this of this good one key of this robot and good think about meaningful natural of this adventure super film of this movie actually note of this few minutes of call of this good I like the film because of it gives and good adventure and something we don't of usually see but this film I was definitely missing emotional when the The little boy was kissed by the little girl has just stood there are good claim of renew of this boy and yet did nothing and when the tiger berry and was introduction there was no exit of fear of what of going to happen it next it just of this good had mummy issue the movie was not like the trailer and definitely could have used more democratic music especially when this boy and had good think about get past the sleeping lions a good few things very and sense available like the democratic complaining about the girlfriend dreaming of his home and waking up to the lion of leading on the good and chamber of this good think about somehow days of disaster and good was definitely personality amazing of remix I good do recommended watching this movie for this family movie night at definitely is good but there were few many things that could have been work on good job to all who made the movie congratulations and I hope when making your next movie or consideration these things as pull off this audience heart bring at this good their fair style this movie was much of this Arthul film it will become one of this all time greats you silly and super funny incident I think all the actors and actress very incredible and a 5-star for sure did and a great movie for all time for anyone who prize friendship intelligence and the portrayal of life in this love and teamwork kids and adults with lunk a like of this the animal animation of flawless a great film with a great story lots of fantastic lands as well done very ligament is of this good storyline telling of this survival I watchable this last few minutes of this very fantastic I love it very nice and Robert Downey Jr. is another role with mass of Iron Man the cast she was so much fun of this so many lovely especially for kids there is nothing do little did too little for this it was really will act the animal very funny and silly exit was and children
चिल्ड्रन बुक वुड हैव बीन दिस रियली एंड सुपर संडे आफ्टरनून व्यू ऑफ दिस गुड एंड गुड ए नाइस एंड टच टैल ऑफ रतिरामन ऑफ दिस गुड एंड गुड थिंक अबाउट कंप्लिंग ए कंप्लीटली एंजॉय दिस मूवी एज वन आई कुल्ड बॉय एंड वॉच मैनी टाइम्स आर डीजे हैज बिकम वन ऑफ दिस वेरी फेवरेट फ्रॉम दिस ईयर एज आयरन मैन बट आई गिव बिग कूडोज टू द होल कास्ट इन द वर्ल्ड विदाउट विजार्ड्स एंड वॉन्स ऑफ दिस ड्रैगन वर्क ऑफ दिस एनअप एंड गिव कंसीडेशन डेप्थ ऑफ दिस एनिमल ब्रेड करैक्टर अब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिफ्रेशिंग एडेप्शन फॉर दिस करैक्टर हु वॉज बिट वॉरिड ऑफ दिस वेरी एनिमल्स रॉबर्ट डोनी जूनियर हिलेरियस एंड एडल्ट ऑफ दिस गुड फैंटास्टिक सपोर्टिंग डू लिटिल सी इज और स्कीप एंड व्यू डू लिटिल इज न्यू रोबोट ऑफ दिस सम क्लासिकल एंड इज मूवी स्टार्टिंग आर डीजे एंड ए लिस्ट ऑफ डिसेंट एक्ट्रेस विच इज अब्सोल्युटली डू लिटिल एंड दिस एनिमल हु टू अनोदर ह्यूमंस डू दैट ऑफ दिस गो ऑन एपिक एडवेंचर विच डज नॉट हैव सम इंटेंसिटी मूवमेंट्स लाइक वन आई गो ट्रीफ्राइड ऑफ दिस वेरी वॉयलेंस इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट लाइफ सो अबाउट फोर पॉजिटिव मैसेज आई विल टिल दैट द मैसेज इज द डू लिटिल सेज एंड दिस डूड ऑफ लैंग्वेज वेयर ऑफ दिस गुड एंड टॉकिंग अबाउट वॉयलेंस सिलेक्शन ऑफ दिस कुल्ड हैव बीन अलॉट बेटर ग्राफिक्स एंड सीट ग्रेट एंड अप सम व्यूज ऑफ दिस टू फास्ट पेस ऑफ दिस इश्यू दैट नाइस फ्रेमवर्क ऑफ दिस सिटीजन वी रेड The review with a again so salt the review depends of this very fantastic kudos to the careful a full enjoyable family movie really glad that I ignore such space citizen watch in with my 6 year old son and we both and had a very good time no need to worry about and contents country to the any of Tom superhero movie of this good thing about full of this very it was very enjoyable film साल 2020 में रिलीज हुई डू लिटिल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था डू लिटिल मूवी था। जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि डू लिटिल मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 41 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 41 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो Google यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.6 है और इस मूवी की रिलीज डेट 17 जनवरी 2020 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर स्टेफन गगन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं डू लिटिल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डू लिटिल रिव्यू माई रेटिंग ऑफ दिस कम बैक एंड गुड स्टेफन गगन डायरेक्टर हिज 2020 एग्जिट एडवेंचर द फ्यूचर स्टार स्टूपिड कास्ट एंड गुड स्कोर द एटलिस्ट एडेप्शन ऑफ हंज लोटिंग ऑफ दिस नॉवल एंड रॉबर्ट डोनी जूनियर स्टार्स एज द टिटुलर ऑफ डायरेक्टर डू लिटिल हु आफ्टर सफरिंग ए ट्रेगिक लॉस एंड क्लोज द डोर्स होप दिस एनिमल सेंचुरी ऑफ दिस बिकम ए गुड थिंक अबाउट एंड फाइंड ए मैजिकल ट्री दैट होल्ड्स पावर टू क्योर द क्यून ऑफ इंग्लैंड द जनरी डोंट ऑफ दिस इजी आइसलैंड द सिक्स हैज नोट दिस प्रीवियस मिशन आर गुड थिंक अबाउट ऑफ RJD गिव्स ए ब्रिलियंट पोर्टेबल ऑफ द डॉक्टर दैट कंपेरिजन बाय द क्यू
सॉल्यूशन अवेलेबल वाज नॉट डिसेंट हाउ एवर हिज परफॉर्मेंस वो नॉट विनिंग डोने एंड एनी अवार्ड्स नॉट दिस लॉन्ग शॉट न्यू कमर हैरी कलेक्ट गिव्स ऑप दिस गुड डू लिटिल इज नॉट ए फिल्म टू टेकन ऑप सीरियसली इज मोरी जस्ट यूनिवर्सल अटेम्प्ट बाई प्रोवाइडिंग 130 minutes ऑप दिस चाइल्ड फ्रेंडली इकोसोप ऑप दिस गुड एंड पर्टिकुलर एनिमेटेड टूवर्ड्स अडल्ट बट द कलरफुल वाइब्रेंट सिनेमाटोग्राफी मेक्स मी एन अडॉप्शन ऑफ ब्यूटिफुल फीस्ट फॉर चिल्ड्रन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ड्यू द इट इज लाइट हार्ट बेलेस ऑफ दिस डू लिटिल डज नॉट डेल ऑफ दिस थ्री ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट ड्रॉपिंग ट्राइपिंग ऑफ दिस यू योर वॉचिंग स्कोर ऑफ ओवरऑल स्टेप गगन एंड डू लिटिल इज वाइब्रेट फैमिली फ्रेंडली आफ्टर ऑप दिस एलिमिनेट ऑफ ऑल द एज 131 ऑफ नीड्स ऑफिसर जीनियस एसिन स्मार ऑफ टैलेंटेड कास्ट ऑफ दिस रॉबर्ट डोनी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड वाट आई पर्सनली थिंक दैट मस्ट ऑफ एंड सिटीजन ए लाइक मिस इन माई ओपिनियन इज मच लाइक डू लिटिल द पोलोट इज गुड मोस्टली यूनिवर्स ऑफ इट सेल्फ बट ऑफ दिस टूगेदर बट फ्रेंड्स इट सेल्फ द एंड्स एंड एवरीथिंग ऑफ दिस गुड टूगेदर ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन हैव ओप दिस डू लिटिल आई हैव ए रोमांटिक जनरी एंड गुड थिंक अबाउट आई लव दिस आई थ्रू आउट इट वॉज लवली लिटिल वोम्स स्केकल फिल्म ऑफ दिस जीनियस एनिमल एंड ब्यूटिफुल सीन्स मारो द स्टोरी इज सिंपल बट इफेक्टिव एंड हाईली एंटरटेनिंग द एनिमल ग्राफिक्स वेरी फैंटेस्टी अब्सूटली वंडरफुल डन एंड द डिजाइन ऑफ द सेंचुरी ऑफ दिस वॉज क्यूट मेजिकल द लिटिल नाइस एंड ट्रेंड्स वेरी डिलाइटफुल लिटिल एडिशन ऑफ दिस हाउस रियली डू not understand why people say this movie is awful of I was found is I throughout enjoy available watch this of this good one key of this robot and good think about meaningful natural of this adventure super film of this movie actually note of this few minutes of call of this good I like the film because of it gives and good adventure and something we don't of usually see but this film I was definitely missing emotional when the little boy was kissed by the little girl has just stood there are good claim of renew of this boy and yet did nothing and when the tiger berry and was introduction there was no exit of fear of what of going to happen it next it just of this good had mummy issue the movie was not like the trailer and definitely could have used more democratic music especially when this boy and had good think about get past the sleeping lions a good few things very and sense available like the democratic complaining about the girlfriend dreaming of this home and waking up to the lion of leading on the good and chamber of this good think about somehow days of disaster and good was definitely personality amazing of remix I good do recommended watching this movie for this family moving night at definitely is good but there were few many things that could have been work on good job to all who made the movie congratulations and I hope when making your next movie your consideration these things as pull off this audience heart bring at this good their fairy style this movie was much of this Arthul film it will become one of this all time greats you still and super funny incident I think all the actors and actress were incredible and a 5-star for sure did and a great movie for all time for anyone who prize friendship intelligence and the portrayal of life in this love and teamwork kids and adults with lung a like of this the animal animation of flawless a great film with a great story lots of fantastic lands as well done very ligament is of this good storyline telling of this survival I watchable this last few minutes of this very fantastic I love it very nice and Robert Downey Jr. is another role Bidmas of Iron Man the cast she was so much fun of this so many lovely especially for kids there is nothing too little did too little for this it was really will act the animal very funny and silly exit was and children
चिल्ड्रन बुक वुड हैव बीन दिस रियली एंड सुपर संडे आफ्टरनून व्यू ऑफ दिस गुड एंड गुड ए नाइस एंड टच टैल ऑफ रतिरामन ऑफ दिस गुड एंड गुड थिंक अबाउट कंप्लिंग ए कंप्लीटली एंजॉय दिस मूवी एज वन आई कुड बॉय एंड वॉच मैनी टाइम्स आर डी जे हैज बिकम वन ऑफ दिस वेरी फेवरेट फ्रॉम दिस ईयर एज आयरन मैन बट आई गिव बिग कूडोज टू द होल कास्ट इन द वर्ल्ड विदाउट विजार्ड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ दिस ड्रैगन वर्क ऑफ दिस एनअप एंड गिव कंसीडरेशन डेप्थ ऑफ दिस एनिमल ब्रेड करैक्टर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिफ्रेशिंग अडेप्शन फॉर दिस करैक्टर हु वॉज बिट वॉरिड ऑफ दिस वेरी एनिमल्स रॉबर्ट डोनी जूनियर हिलेरियस एंड अडल्ट ऑफ दिस गुड फैंटास्टिक सपोर्टिंग डू लिटिल सी इज और स्किप एंड व्यू डू लिटिल इज न्यू रोबोट ऑफ दिस सम क्लासिकल एंड इज मूवी स्टार्टिंग आर डी जे एंड ए लिस्ट ऑफ डिसेंट एक्ट्रेस विच इज एब्सोल्युटली डू लिटिल एंड दिस एनिमल हु टू अनोदर ह्यूमंस डू दैट ऑफ दिस गो ऑन एपिक एडवेंचर विच डज नॉट हैव सम इंटेंसिटी मूवमेंट्स लाइक वन आई गो ट्रिफ्राइड ऑफ दिस वेरी वॉयलेंस इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट लाइफ सो अबाउट फोर पॉजिटिव मैसेज आई विल टिल दैट द मैसेज इज द डू लिटिल सेज एंड दिस डूड ऑफ लैंग्वेज वेयर ऑफ दिस गुड एंड टॉकिंग अबाउट वॉयलेंस सेलेक्शन ऑफ दिस कुल्ड हैव बीन अलॉट बेटर ग्राफिक्स एंड सीट ग्रेट एंड अप सम व्यूज ऑफ दिस टू फास्ट पेस ऑफ दिस इश्यू दैट नाइस फ्रेमवर्क ऑफ दिस सिटीजन वी रेड The review with a again so salt the review depends of this very fantastic kudos to the careful a full enjoyable family movie really glad that I ignore such space citizen watch in with my 6-year-old son and we both and had a very good time no need to worry about and contents country to the any of Tom superhero movie of this good think about full of this very it was very enjoyable film साल 2020 में रिलीज हुई डू लिटिल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था डू लिटिल मूवी था। जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि डू लिटिल मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 41 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 41 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.6 है और इस मूवी की रिलीज डेट 17 जनवरी 2020 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर स्टेफन गगन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं डू लिटिल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डू लिटिल रिव्यू माई रेटिंग ऑफ दिस कमबैक एंड गुड स्टेफन गगन डायरेक्टर हिज 2020 एग्जिट एडवेंचर द फ्यूचर स्टार स्टूपिड कास्ट एंड गुड स्कोर द एटलिस्ट एडेप्शन ऑफ हंज लोटिंग ऑफ दिस नॉवल एंड रॉबर्ट डोनी जूनियर स्टार्स एज द टिटुलर ऑफ डायरेक्टर डू लिटिल हु आफ्टर सफरिंग ए ट्रेगिक लॉस एंड क्लोज द डोर्स होप दिस एनिमल सेंचुरी ऑफ दिस बिकम ए गुड थिंक अबाउट एंड फाइंड ए मैजिकल ट्री दैट होल्ड्स पावर टू क्यूर द क्यून ऑफ इंग्लैंड द जनरी डोंट ऑफ दिस इजी आइसलैंड द सिक्स हैज नोट दिस प्रीवियस मिशन आर गुड थिंक अबाउट ऑफ RJD गिव्स ए ब्रिलियंट पोर्टेबल ऑफ द डॉक्टर दैट कंपैरिजन बाय द क्यू
सॉल्यूशन अवेलेबल वाज नॉट डिसेंट हाउ एवर हिज परफॉर्मेंस वो नॉट विनिंग डोने एंड एनी अवार्ड्स नॉट दिस लॉन्ग शॉट न्यू कमर हैरी कलेक्ट गिव्स ऑफ दिस गुड डू लिटिल इज नॉट ए फिल्म टू टेकन ऑफ सीरियसली इज मोरी जस्ट यूनिवर्सल अटेम्प्ट बाय प्रोवाइडिंग 130 minutes ऑफ दिस चाइल्ड फ्रेंडली इकोसोप ऑफ दिस गुड एंड पर्टिकुलर एनिमेटेड टूवर्ड्स अडल्ट बट द कलरफुल वाइब्रेंट सिनेमाटोग्राफी मेक्स मी एन अडॉप्शन ऑफ ब्यूटिफुल फीस्ट फॉर चिल्ड्रन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ड्यू द इट इज लाइट हार्ट ब्लेस ऑफ दिस डू लिटिल डज नॉट डील ऑफ दिस थ्री ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट ड्रॉपिंग ट्राइपिंग ऑफ दिस यू योर वॉचिंग स्कोर ऑफ ओवरऑल स्टेप गगन एंड डू लिटिल इज वाइब्रेट फैमिली फ्रेंडली आफ्टर ऑफ दिस एलिमिनेट ऑफ ऑल द एज 131 ऑफ नीड्स ऑफिसर जीनियस एसिन स्मार ऑफ टैलेंटेड कास्ट ऑफ दिस रॉबर्ट डोनी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड वाट आई पर्सनली थिंक दैट मस्ट ऑफ एंड सिटीजन ए लाइक मिस इन माई ओपिनियन इज मच लाइक डू लिटिल द पोलोट इज गुड मोस्टली यूनिवर्स of itself but of this together but friends itself the ends and everything of this good together of this I have every scene have of this do little I have a romantic journey and good thing about I love this I throughout it was lovely little poems is kegel film of this genius animal and beautiful scenes tomorrow the story is simple but effective and highly entertaining the animal graphics very fantastic absolutely wonderful done and the design of the sanctuary of this was cute magical the little nice and trends very delightful little addition of this house really do know not understand why people say this movie is available of I was found is I throughout enjoy available watch this of this good one key of this robot and good think about meaningful natural of this adventure super film of this movie actually note of this few minutes of call of this good I like the film because of it gives and good adventure and something we don't of usually see but this film I was definitely missing emotional when the little boy was kissed by the little girl has just stood there are good claim of renew of this boy and yet did nothing and when the tiger berry and was introduction there was no exit of fear of what of going to happen it next it just of this good had mummy issue the movie was not like the trailer and definitely could have used more democratic music especially when this boy and had good think about get past the sleeping lions a good few things very and sense available like the democratic complaining about the girlfriend dreaming of this home and waking up to the lion of leading on the good and chamber of this good think about somehow days of disaster and good was definitely personality amazing of remix I good do recommended watching this movie for this family moving night at definitely is good but there were few many things that could have been work on good job to all who made the movie congratulations and I hope when making your next movie your consideration these things as pull up this audience heart bring at this good their fairy style this movie was much of this Arthul film it will become one of this all time greats you still and super funny incident I think all the actors and actress were incredible and a 5-star for sure did and a great movie for all time for anyone who prize friendship intelligence and the portrayal of life in this love and teamwork kids and adults with lung a like of this the animal animation of flawless a great film with a great story lots of fantastic lands as well done very ligament is of this good storyline telling of this survival I watchable this last few minutes of this very fantastic I love it very nice and Robert Downey Jr. is another role Bidmas of Iron Man the cast she was so much fun of this so many lovely especially for kids there is nothing too little did too little for this it was really will act the animal very funny and silly exit was and children
चिल्ड्रन बुक वुड हैव बीन दिस रियली एंड सुपर संडे आफ्टरनून व्यू ऑफ दिस गुड एंड गुड ए नाइस एंड टच टैल ऑफ रतिरामन ऑफ दिस गुड एंड गुड थिंक अबाउट कंप्लिंग ए कंप्लीटली एंजॉय दिस मूवी एज वन आई कुड बॉय एंड वॉच मैनी टाइम्स आर डी जे हैज बिकम वन ऑफ दिस वेरी फेवरेट फ्रॉम दिस ईयर एज आयरन मैन बट आई गिव बिग कूडोज टू द होल कास्ट इन द वर्ल्ड विदाउट विजार्ड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ दिस ड्रैगन वर्क ऑफ दिस एनअप एंड गिव कंसीडरेशन डेप्थ ऑफ दिस एनिमल ब्रेड करैक्टर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिफ्रेशिंग अडेप्शन फॉर दिस करैक्टर हु वाज बिट वॉरिड ऑफ दिस वेरी एनिमल्स रॉबर्ट डोनी जूनियर हिलेरियस एंड अडल्स ऑफ दिस गुड फैंटास्टिक सपोर्टिंग डू लिटिल सी इज और स्किप एंड व्यू डू लिटिल इज न्यू रोबोट ऑफ द सम क्लासिकल एंड इज मूवी स्टार्टिंग आर डी जे एंड ए लिस्ट ऑफ डिसेंट एक्ट्रेस विच इज एब्सोल्युटली डू लिटिल एंड दिस एनिमल हु टू अनोदर ह्यूमंस डू दैट ऑफ दिस गो ऑन एपिक एडवेंचर विच डज नॉट हैव सम इंटेंसिटी मूवमेंट्स लाइक वन आई गो ट्रिफ्राइड ऑफ दिस वेरी वॉयलेंस इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट लाइफ सो अबाउट फोर पॉजिटिव मैसेज आई विल टिल दैट द मैसेज इज द डू लिटिल सेज एंड दिस डूड ऑफ लैंग्वेज वेयर ऑफ दिस गुड एंड टॉकिंग अबाउट वॉयलेंस सेलेक्शन ऑफ दिस कुल्ड हैव बीन अलॉट बेटर ग्राफिक्स एंड सीट ग्रेट एंड अप सम व्यूज ऑफ दिस टू फास्ट पेस ऑफ दिस इश्यू दैट नाइस फ्रेम वर्क ऑफ दिस सिटीजन वी रेड द रिव विथ ए अगेन सो साल्ट द रिव डिपेंड्स ऑफ दिस वेरी फैंटेस्टिक कुडोज टू द केयरफुल ए फुल एंजॉय अवेलेबल फैमिली मूवी रियली ग्लैंड दैट आई इग्नोर सटिस्फेस सिटीजन वॉच इन विथ माई 6 year old son and we both and had a very good time no need to worry about and contents country to the any of thom super hero movie of this good think about full of this very it was very enjoyable film साल 2020 में रिलीज हुई डू लिटिल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था डू लिटिल मूवी था। जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि डू लिटिल मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 41 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 41 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो Google यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.6 है और इस मूवी की रिलीज डेट 17 जनवरी 2020 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर स्टेफन गगन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं डू लिटिल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डू लिटिल रिव्यू माय रेटिंग ऑफ दिस कमबैक एंड गुड स्टेफन गगन डायरेक्टर हिज 2020 एग्जिट एडवेंचर द फ्यूचर स्टार स्टूपिड कास्ट एंड गुड स्कोर द एटलिस्ट एडेप्शन ऑफ हंस लोटिंग ऑफ दिस नोवल एंड रॉबर्ट डोनी जूनियर स्टार्स एज द टिटुलर ऑफ डायरेक्टर डू लिटिल हु आफ्टर सफरिंग ए ट्रेगिक लॉस एंड क्लोज द डोर्स होप दिस एनिमल सेंचुरी ऑफ दिस बिकम ए गुड थिंक अबाउट एंड फाइंड ए मैजिकल ट्री दैट होल्ड्स पावर टू क्योर द क्यून ऑफ इंग्लैंड द जनरी डोंट ऑफ दिस इजी आइसलैंड द सिक्स हैज नोट दिस प्रीवियस मिशन आर गुड थिंक अबाउट ऑफ RJD गिव्स ए ब्रिलियंट पोर्टेबल ऑफ द डॉक्टर दैट कंपेरिजन बाय द क्यू
सॉल्यूशन अवेलेबल वाज नॉट डिसेंट हाउ एवर हिज परफॉर्मेंस वो नॉट विनिंग डोने एंड एनी अवार्ड्स नॉट दिस लॉन्ग शॉट न्यू कमर हैरी कलेक्ट गिव्स ऑफ दिस गुड डू लिटिल इज नॉट ए फिल्म टू टेकन ऑफ सीरियसली इज मोरी जस्ट यूनिवर्सल अटेम्प्ट बाई प्रोवाइडिंग 130 minutes ऑफ दिस चाइल्ड फ्रेंडली इकोसोप ऑफ दिस गुड एंड पर्टिकुलर एनिमेटेड टूवर्ड्स अडल्ट बट द कलरफुल वाइब्रेंट सिनेमाटोग्राफी मेक्स मी एन अडॉप्शन ऑफ ब्यूटिफुल फीस्ट फॉर चिल्ड्रन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ड्यू द इट इज लाइट हार्ट ब्लेस ऑफ दिस डू लिटिल डज नॉट डील ऑफ दिस थ्री ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट ड्रॉपिंग ट्राइपिंग ऑफ दिस यू योर वॉचिंग स्कोर ऑफ ओवरऑल स्टेप गगन एंड डू लिटिल इज वाइब्रेट फैमिली फ्रेंडली आफ्टर ऑफ दिस एलिमिनेट ऑफ ऑल द एज 131 ऑफ नीड्स ऑफिसर जीनियस एसिनसमार ऑफ टैलेंटेड कास्ट ऑफ दिस रॉबर्ट डोनी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड वाट आई पर्सनली थिंक दैट मस्ट ऑफ एंड सिटीजन ए लाइक मिस इन माई ओपिनियन इज मच लाइक डू लिटिल द पोलोट इज गुड मोस्टली यूनिवर्स ऑफ इट सेल्फ बट ऑफ दिस टूगेदर बट फ्रेंड्स इट सेल्फ द एंड्स एंड एवरीथिंग ऑफ दिस गुड टूगेदर ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन हैव ओप दिस डू लिटिल आई हैव ए रोमांटिक जनरी एंड गुड थिंक अबाउट आई लव दिस आई थ्रू आउट इट वॉज लवली लिटिल वोम्स स्केगल फिल्म ओप दिस जीनियस एनिमल एंड ब्यूटिफुल सीन्स मारो द स्टोरी इज सिंपल बट इफेक्टिव एंड हाईली एंटरटेनिंग द एनिमल ग्राफिक्स वेरी फैंटेस्टी अब्स्यूटली वंडरफुल डन एंड द डिजाइन ऑफ द सेंचुरी ओप दिस वॉज क्यूट मेजिकल द लिटिल नाइस एंड ट्रेंड्स वेरी डिलाइटफुल लिटिल एडिशन ओप दिस हाउस रियली डू not understand why people say this movie is awful of I was found is I throughout enjoy available watch this op this good one key op this robot and good think about meaningful natural op this adventure super film op this movie actually note op this few minutes op call op this good I like the film because op it gives and good adventure and something we don't op usually see but this film I was definitely missing emotional when the little boy was kissed by the little girl has just stood there or good claim of renew of this boy and yet did nothing and when the tiger berry and was introduction there was no exit of fear of what of going to happen it next it just of this good had mummy issue the movie was not like the trailer and definitely could have used more democratic music especially when this boy and had good think about get past the sleeping lions a good few things very and sense available like the democratic complaining about the girlfriend dreaming of this him and waking up to the lion of leading on the good and chamber of this good think about somehow days of disaster and good was definitely personality amazing of remax I good do recommended watching this movie for this family moving night at definitely is good but there were few many things that could have been work on good job to all who made the movie congratulations and I hope when making your next movie your consideration these things as pull up this audience heart bring at this good their fairy style this movie was much of this Arthul film it will become one of this all time greats you still and super funny incident I think all the actors and actress very incredible and a 5-star for sure did and a great movie for all time for anyone who prize friendship intelligence and the portable of life in this love and teamwork kids and adults with lung a like of this the animal animation of flawless a great film with a great story lots of fantastic lands as well done very ligament is of this good storyline telling of this survival I watchable this last few minutes of this very fantastic I love it very nice and Robert Downey Jr. is another role bidmas of Iron Man the cast she was so much fun of this so many lovely especially for kids there is nothing too little did too little for this it was really will act the animal very funny and silly exit was and children
चिल्ड्रन बुक वुड हैव बीन दिस रियली एंड सुपर संडे आफ्टरनून व्यू ऑफ दिस गुड एंड गुड ए नाइस एंड टच टैल ऑफ रतिरामन ऑफ दिस गुड एंड गुड थिंक अबाउट कंप्लिंग ए कंप्लीटली एंजॉय दिस मूवी एज वन आई कुल्ड बॉय एंड वॉच मैनी टाइम्स आर डी जे हैज बिकम वन ऑफ दिस वेरी फेवरेट फ्रॉम दिस ईयर एज आयरन मैन बट आई गिव बिग कूडोज टू द होल कास्ट इन द वर्ल्ड विदाउट विजार्ड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ दिस ड्रैगन वर्क ऑफ दिस एनअप एंड गिव कंसीडरेशन डेप्थ ऑफ दिस एनिमल ब्रेड करैक्टर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिफ्रेशिंग अडेप्शन फॉर दिस करैक्टर हु वॉज बिट वॉरिड ऑफ दिस वेरी एनिमल्स रॉबर्ट डोनी जूनियर हिलेरियस एंड अडल्ट ऑफ दिस गुड फैंटास्टिक सपोर्टिंग डू लिटिल सी इज और स्किप एंड व्यू डू लिटिल इज न्यू रोबोट ऑफ दिस सम क्लासिकल एंड इज मूवी स्टार्टिंग आर डी जे एंड ए लिस्ट ऑफ डिसेंट एक्ट्रेस विच इज एब्सोल्युटली डू लिटिल एंड दिस एनिमल हु टू अनोदर ह्यूमंस डू दैट ऑफ दिस गो ऑन एपिक एडवेंचर विच डज नॉट हैव सम इंटेंसिटी मूवमेंट्स लाइक वन आई गो ट्रीफ्राइड ऑफ दिस वेरी वॉयलेंस इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट लाइफ सो अबाउट फोर पॉजिटिव मैसेज आई विल टिल दैट द मैसेज इज द डू लिटिल सेज एंड दिस डूड ऑफ लैंग्वेज वेयर ऑफ दिस गुड एंड टॉकिंग अबाउट वॉयलेंस सेलेक्शन ऑफ दिस कुल्ड हैव बीन अलॉट बेटर ग्राफिक्स एंड सीट ग्रेट एंड अप सम व्यूज ऑफ दिस टू फास्ट पेस ऑफ दिस इश्यू दैट नाइस फ्रेमवर्क ऑफ दिस सिटीजन वी रेड द रिव विथ ए अगेन सो साल्ट द रिव डिपेंड्स ऑफ दिस वेरी फैंटेस्टिक कुडोज टू द केयरफुल ए फुल एंजॉय अवेलेबल फैमिली मूवी रियली ग्लैंड दैट आई इग्नोर सटिस्फेस सिटीजन वॉच इन विथ माई 6 year ओल्ड सन एंड वी बोथ एंड हैड ए वेरी गुड टाइम नो नीड टू वोरी अबाउट एंड कंटेंस कंट्री टू द एनी ऑफ थॉम सुपर हीरो मूवी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट फुल ऑफ दिस वेरी इट वॉज वेरी एंजॉयबल फिल्म। साल 2020 में रिलीज हुई डू लिटिल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था डू लिटिल मूवी था। जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि डू लिटिल मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 41 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 41 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 5.6 है और इस मूवी की रिलीज डेट 17 जनवरी 2020 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर स्टेफन गगन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं डू लिटिल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डू लिटिल रिव्यू माई रेटिंग ऑफ दिस कम बैक एंड गुड स्टेफन गगन डायरेक्टर हिज 2020 एग्जिट एडवेंचर द फ्यूचर ए स्टार स्टूपिड कास्ट एंड गुड स्कोर द एटलिस्ट एडेप्शन ऑफ हंज लोटिंग ऑफ दिस नोवल एंड रॉबर्ट डोनी जूनियर स्टार्स एज द टिटुलर ऑफ डायरेक्टर डू लिटिल हु आफ्टर सफरिंग ए ट्रेगिक लॉस एंड क्लोज द डोर्स होप दिस एनिमल सेंचुरी ऑफ दिस बिकम ए गुड थिंक अबाउट एंड फाइंड ए मैजिकल ट्री दैट होल्ड्स पावर टू क्यूर द क्यून ऑफ इंग्लैंड द जनरी डोंट ऑफ दिस इजी आइसलैंड द सिक्स हैज नोट दिस प्रीवियस मिशन आर गुड थिंक अबाउट ऑफ RJD गिव्स ए ब्रिलियंट पोर्टेबल ऑफ द डॉक्टर दैट कंपेरिजन बाय द क्यू
सोल्यूशन अवेलेबल वाज नॉट डिसेंट हाउ एवर हिज परफॉर्मेंस वू नॉट विनिंग डोने एंड एनी अवार्ड्स नॉट दिस लॉन्ग शॉट न्यू कमर हैरी कलेक्ट गिव्स ऑफ दिस गुड डू लिटिल इज नॉट ए फिल्म टू टेकन ऑफ सीरियसली इज मोरी जस्ट यूनिवर्सल अटैम्प्ट बाई प्रोवाइडिंग 130 minutes ऑफ दिस चाइल्ड फ्रेंडली इकोसोप ऑफ दिस गुड एंड पर्टिकुलर एनिमेटेड टूवर्ड्स अडल्ट बट द कलरफुल वाइब्रेंट सिनेमाटोग्राफी मेक्स मी एंड एडॉप्शन ऑफ ब्यूटीफुल फीस्ट फॉर चिल्ड्रन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ड्यू द इट इज लाइट हार्ट ब्लेस ऑफ दिस डू लिटिल डज नॉट डील ऑफ दिस थ्री ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट ड्रॉपिंग ट्राइपिंग ऑफ दिस यू योर वॉचिंग स्कोर ऑफ ओवरऑल स्टेप गगन एंड डू लिटिल इज वाइब्रेट फैमिली फ्रेंडली आफ्टर ऑफ दिस एलिमिनेट ऑफ ऑल द एज 131 ऑफ नीड्स ऑफिसर जीनियस एसिनसमार ऑफ टैलेंटेड कास्ट ऑफ दिस रॉबर्ट डोनी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड वाट आई पर्सनली थिंक दैट मस्ट ऑफ एंड सिटीजन ए लाइक मिस इन माई ओपिनियन इज मच लाइक डू लिटिल द पोलोट इज गुड मोस्टली यूनिवर्स of itself but of this together but friends itself the ends and everything of this good together of this I have every scene Have hope this do little I have a romantic journey and good thing about I love this I throughout it was lovely little poems skeggle film of this genius animal and beautiful scenes maro the story is simple but effective and highly entertaining the animal graphics very fantastic absolutely wonderful done and the design of the sanctuary of this was cute magical the little nice and trends very delightful little addition of this house really do not understand why people say this movie is awful of I was found is I throughout enjoy available watch this of this good one key of this robot and good think about meaningful natural of this adventure super film of this movie actually note of this few minutes of call of this good I like the film because of it gives and good adventure and something we don't of usually see but this film I was definitely missing emotional when the The little boy was kissed by the little girl has just stood there are good claim of renew of this boy and yet did nothing and when the tiger berry and was introduction there was no exit of fear of what of going to happen it next it just of this good had mummy issue the movie was not like the trailer and definitely could have used more democratic music especially when this boy and had good think about get past the sleeping lions a good few things very and sense available like the democratic complaining about the girlfriend dreaming of this home and waking up to the lion of leading on the good and chamber of this good think about somehow days of disaster and good was definitely personality amazing of remix I good do recommended watching this movie for this family movie night at definitely is good but there were few many things that could have been work on good job to all who made the movie congratulations and I hope when making your next movie or consideration these things as pull off this audience heart bring at this good their fair style this movie was much of this Arthul film it will become one of this all time greats you silly and super funny incident I think all the actors and actress very incredible and a 5-star for sure did and a great movie for all time for anyone who prize friendship intelligence and the portrayal of life in this love and teamwork kids and adults with lunk a like of this the animal animation of flawless a great film with a great story lots of fantastic lands as well done very ligament is of this good storyline telling of this survival I watchable this last few minutes of this very fantastic I love it very nice and Robert Downey Jr. is another role with mass of Iron Man the cast she was so much fun of this so many lovely especially for kids there is nothing do little did too little for this it was really will act the animal very funny and silly exit was and children
चिल्ड्रन बुक वुड हैव बीन दिस रियली एंड सुपर संडे आफ्टरनून व्यू ऑफ दिस गुड एंड गुड ए नाइस एंड टच टैल ऑफ रतिरामन ऑफ दिस गुड एंड गुड थिंक अबाउट कंप्लिंग ए कंप्लीटली एंजॉय दिस मूवी एज वन आई कुल्ड बॉय एंड वॉच मैनी टाइम्स आर डी जे हैज बिकम वन ऑफ दिस वेरी फेवरेट फ्रॉम दिस ईयर एज आयरन मैन बट आई गिव बिग कूडोज टू द होल कास्ट इन द वर्ल्ड विदाउट विजार्ड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ दिस ड्रैगन वर्क ऑफ दिस एनअप एंड गिव कंसीडरेशन डेप्थ ऑफ दिस एनिमल ब्रेड करैक्टर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिफ्रेशिंग एडेप्शन फॉर दिस करैक्टर हु वाज बिट वॉरिड ऑफ दिस वेरी एनिमल्स रॉबर्ट डोनी जूनियर हिलेरियस एंड एडल्ट्स ऑफ दिस गुड फैंटास्टिक सपोर्टिंग डू लिटिल सी इज और स्किप एंड व्यू डू लिटिल इज न्यू रोबोट ऑफ दिस सम क्लासिकल एंड इज मूवी स्टार्टिंग आर डी जे एंड ए लिस्ट ऑफ डिसेंट एक्ट्रेस विच इज एब्सोल्युटली डू लिटिल एंड दिस एनिमल हु टू अनोदर ह्यूमंस डू दैट ऑफ दिस गो ऑन एपिक एडवेंचर विच डज नॉट हैव सम इंटेंसिटी मूवमेंट्स लाइक वन आई गो ट्रिफ्राइड ऑफ दिस वेरी वॉयलेंस इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट लाइफ सो अबाउट फोर पॉजिटिव मैसेज आई विल टिल दैट द मैसेज इज द डू लिटिल सेज एंड दिस डूड ऑफ लैंग्वेज वेयर ऑफ दिस गुड एंड टॉकिंग अबाउट वॉयलेंस सिलेक्शन ऑफ दिस कुल्ड हैव बीन अलॉट बेटर ग्राफिक्स एंड सीट ग्रेट एंड अप सम व्यूज ऑफ दिस टू फास्ट पेस ऑफ दिस इश्यू दैट नाइस फ्रेमवर्क ऑफ दिस सिटीजन वी रेड The review with a again so salt the review depends of this very fantastic kudos to the careful a full enjoyable family movie really glad that I ignore Satisfied Citizen watch in with my 6 year old son and we both and had a very good time no need to worry about and contents contrary to the any of Thom superhero movie of this good think about full of this very it was very enjoyable film साल 2020 में रिलीज हुई डू लिटिल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था डू लिटिल मूवी था। जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि डू लिटिल मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 41 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 41 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.6 है और इस मूवी की रिलीज डेट 17 जनवरी 2020 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर स्टेफन गगन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं डू लिटिल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डू लिटिल रिव्यू माय रेटिंग ऑफ दिस कमबैक एंड गुड स्टेफन गगन डायरेक्टर हिज 2020 एग्जिट एडवेंचर द फ्यूचर ए स्टार स्टूपिड कास्ट एंड गुड स्कोर द एटलीस्ट एडेप्शन ऑफ हंज लोटिंग ऑफ दिस नॉवल एंड रॉबर्ट डोनी जूनियर स्टार्स एज द टिटुलर ऑफ डायरेक्टर डू लिटिल हु आफ्टर सफरिंग ए ट्रेगिक लॉस एंड क्लोज द डोर्स होप दिस एनिमल सेंचुरी ऑफ दिस बिकम ए गुड थिंक अबाउट एंड फाइंड ए मैजिकल ट्री दैट होल्ड्स पावर टू क्योर द क्यून ऑफ इंग्लैंड द जनरी डोंट ऑफ दिस इजी आइसलैंड द सिक्स हैज नोट दिस प्रीवियस मिशन आर गुड थिंक अबाउट ऑफ RJD गिव्स ए ब्रिलियंट पोर्टेबल ऑफ द डॉक्टर दैट कंप्रेजेशन बाय द क्यू
सॉल्यूशन अवेलेबल वाज नॉट डिसेंट हाउ एवर हिज परफॉर्मेंस वो नॉट विनिंग डोने एंड एनी अवार्ड्स नॉट दिस लॉन्ग शॉट न्यू कमर हैरी कलेक्ट गिव्स ऑफ दिस गुड डू लिटिल इज नॉट ए फिल्म टू टेकन ऑफ सीरियसली इज मोरी जस्ट यूनिवर्सल अटेम्प्ट बाई प्रोवाइडिंग 130 minutes ऑफ दिस चाइल्ड फ्रेंडली इकोसोप ऑफ दिस गुड एंड पर्टिकुलर एनिमेटेड टूवर्ड्स अडल्ट बट द कलरफुल वाइब्रेंट सिनेमाटोग्राफी मेक्स मी एन एडॉप्शन ऑफ ब्यूटिफुल फीस्ट फॉर चिल्ड्रन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ड्यू द इट इज लाइट हार्ट बेलेस ऑफ दिस डू लिटिल डज नॉट डील ऑफ दिस थ्री ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट ड्रॉपिंग ट्राइपिंग ऑफ दिस यू योर वॉचिंग स्कोर ऑफ ओवरऑल स्टेप गगन एंड डू लिटिल इज वाइब्रेट फैमिली फ्रेंडली आफ्टर ऑफ दिस एलिमिनेट ऑफ ऑल द एज 131 ऑफ निट्स ऑफिसर जीनियस एसिन्स मार ऑफ टैलेंटेड कास्ट ऑफ दिस रॉबर्ट डोनी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड वाट आई पर्सनली थिंक दैट मस्ट ऑफ एंड सिटीजन ए लाइक मिस इन माई ओपिनियन इज मच लाइक डू लिटिल द पोलोट इज गुड मोस्टली यूनिवर्स ऑफ इट सेल्फ बट ऑफ दिस टूगेदर बट फ्रेंड्स इट सेल्फ द एंड्स एंड एवरीथिंग ऑफ दिस गुड टूगेदर ऑफ दिस आई हैव एवरी सीन हैव ओप दिस डू लिटिल आई हैव ए रोमांटिक जनरी एंड गुड थिंक अबाउट आई लव दिस आई थ्रू आउट इट वॉज लवली लिटिल वोम स्केगल फिल्म ओप दिस जीनियस एनिमल एंड ब्यूटिफुल सीन्स मारो द स्टोरी इज सिंपल बट इफेक्टिव एंड हाईली एंटरटेनिंग द एनिमल ग्राफिक्स वेरी फैंटेस्टी अब्सूटली वंडरफुल डन एंड द डिजाइन ऑफ द सेंचुरी ओप दिस वॉज क्यूट मेजिकल द लिटिल नाइस एंड ट्रेंस वेरी डिलाइटफुल लिटिल एडिशन ओप दिस हाउस रियली डू not understand why people say this movie is awful of I was found is I throughout enjoy available watch this of this good one key of this robot and good think about meaningful natural of this adventure super film of this movie actually note of this few minutes of call of this good I like the film because of it gives and good adventure and something we don't of usually see but this film I was definitely missing emotional when the little boy was kissed by the little girl has just stood there are good claim of renew of this boy and yet did nothing and when the tiger berry and was introduction there was no exit of fear of what of going to happen it next it just of this good had mummy issue the movie was not like the trailer and definitely could have used more democratic music especially when this boy and had good think about get past the sleeping lions a good few things very and sense available like the democratic complaining about the girlfriend dreaming of this him and waking up to the lion of leading on the good and chamber of this good think about somehow days of disaster and good was definitely personality amazing of remax I good do recommended watching this movie for this family moving night at definitely is good but there were few many things that could have been work on good job to all who made the movie congratulations and I hope when making your next movie or consideration these things as pull off this audience heart bring at this good their fairy style this movie was much of this Arthul film it will become one of this all time greats you still and super funny incident I think all the actors and actress very incredible and a 5-star for sure did and a great movie for all time for anyone who prize friendship intelligence and the portrayal of life in this love and teamwork kids and adults with lung a like of this the animal animation of flawless a great film with a great story lots of fantastic lands as well done very ligament is of this good storyline telling of this survival I watchable this last few minutes of this very fantastic I love it very nice and Robert Downey Jr. is another role with mass of Iron Man the cast she was so much fun of this so many lovely especially for kids there is nothing do little did do little for this it was really will act the animal very funny and silly exit was and
चिल्ड्रन बुक वुड हैव बीन दिस रियली एंड सुपर संडे आफ्टरनून व्यू ऑफ दिस गुड एंड गुड ए नाइस एंड टचिंग टेल ऑफ रतिरामन ऑफ दिस गुड एंड गुड थिंक अबाउट कंप्लिंग ए कंप्लीटली एंजॉय दिस मूवी एज वन आई कुल्ड बॉय एंड वॉच मैनी टाइम्स आर डी जे हैज बिकम वन ऑफ दिस वेरी फेवरेट फ्रॉम दिस ईयर एज आयरन मैन बट आई गिव बिग कूडोज टू द होल कास्ट इन द वर्ल्ड विदाउट विजार्ड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ दिस ड्रैगन वर्क ऑफ दिस एनअप एंड गिव कंसीडरेशन डेप्थ ऑफ दिस एनिमल ब्रेड करैक्टर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिफ्रेशिंग अडेप्शन फॉर दिस करैक्टर हु वाज बिट वॉरिड ऑफ दिस वेरी एनिमल्स रॉबर्ट डोनी जूनियर हिलेरियस एंड अडल्ट ऑफ दिस गुड फैंटास्टिक सपोर्टिंग डू लिटिल सी इज और स्किप एंड व्यू डू लिटिल इज न्यू रोबोट ऑफ दिस सम क्लासिकल एंड इज मूवी स्टार्टिंग आर डी जे एंड ए लिस्ट ऑफ डिसेंट एक्ट्रेस विच इज एब्सोल्युटली डू लिटिल एंड दिस एनिमल हु टू अनोदर ह्यूमंस डू दैट ऑफ दिस गो ऑन एपिक एडवेंचर विच डज नॉट हैव सम इंटेंसिटी मूवमेंट्स लाइक वन आई गो ट्रीफ्राइड ऑफ दिस वेरी वॉयलेंस इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट लाइफ सो अबाउट फॉर पॉजिटिव मैसेज आई विल टिल दैट द मैसेज इज द डू लिटिल सेज एंड दिस डूड ऑफ लैंग्वेज वेयर ऑफ दिस गुड एंड टॉकिंग अबाउट वॉयलेंस सिलेक्शन ऑफ दिस कुल्ड हैव बीन अलॉट बेटर ग्राफिक्स एंड सीट ग्रेट एंड अप सम व्यूज ऑफ दिस टू फास्ट पेस ऑफ दिस इश्यू दैट नाइस फ्रेमवर्क ऑफ दिस सिटीजन वी रेड The review with a again so salt the review depends of this very fantastic kudos to the careful a full enjoy available family movie really glad that I ignore Satisfied Citizen watch in with my 6 year old son and we both and had a very good time no need to worry about and contents contrary to the any of Tom superhero movie of this good think about full of this very it was very enjoyable film साल 2020 में रिलीज हुई डू लिटिल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था डू लिटिल मूवी था। जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि डू लिटिल मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 41 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 41 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 5.6 है और इस मूवी की रिलीज डेट 17 जनवरी 2020 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर स्टेफन गगन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं डू लिटिल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डू लिटिल रिव्यू माय रेटिंग ऑफ दिस कमबैक एंड गुड स्टेफन गगन डायरेक्टर हिज 2020 एग्जिट एडवेंचर द फ्यूचर ए स्टार स्टूपिड कास्ट एंड गुड स्कोर द एटलीस्ट एडेप्शन ऑफ हंस लोटिंग ऑफ दिस नॉवल एंड रॉबर्ट डोनी जूनियर स्टार्स एज द टिटुलर ऑफ डायरेक्टर डू लिटिल हु आफ्टर सफरिंग ए ट्रेगिक लॉस एंड क्लोज द डोर्स होप दिस एनिमल सेंचुरी ऑफ दिस बिकम ए गुड थिंक अबाउट एंड फाइंड ए मैजिकल ट्री दैट होल्ड्स पावर टू क्यूर द क्यून ऑफ इंग्लैंड द जनरी डोंट ऑफ दिस इजी आइसलैंड द सिक्स हैज नोट दिस प्रीवियस मिशन आर गुड थिंक अबाउट ऑफ RJD गिव्स ए ब्रिलियंट पोर्टेबल ऑफ द डॉक्टर दैट कंप्रेजेशन बाय द क्यू
कॉन्ट्रीब्यूशन अवेलेबल वाज नॉट डिसेंट हाउ एवर हिज परफॉर्मेंस हु नॉट विनिंग डोने एंड एनी अवार्ड्स नॉट दिस लॉन्ग शॉट न्यू कमर हैरी कलेक्ट गिव्स ऑफ दिस गुड डू लिटिल इज नॉट ए फिल्म टू टेकन ऑफ सीरियसली इज मोरी जस्ट यूनिवर्सल अटेम्प्ट बाई प्रोवाइडिंग 130 minutes ऑफ दिस चाइल्ड फ्रेंडली इकोसोप ऑफ दिस गुड एंड पर्टिकुलर एनिमेटेड टूवर्ड्स एडल्ट बट द कलरफुल वाइब्रेंट सिनेमाटोग्राफी मेक्स मी एन एडॉप्शन ऑफ ब्यूटीफुल फीस्ट फॉर चिल्ड्रन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ड्यू द इट इज लाइट हार्ट ब्लेस ऑफ दिस डू लिटिल डज नॉट डील ऑफ दिस थ्री ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट ड्रॉपिंग ट्राइपिंग ऑफ दिस यू योर वॉचिंग स्कोर ऑफ ओवरऑल स्टेप गगन एंड डू लिटिल इज वाइब्रेट फैमिली फ्रेंडली आफ्टर ऑफ दिस एलिमिनेट ऑफ ऑल द एज 131 ऑफ नीड्स ऑफिसर जीनियस एसिनसमार ऑफ टैलेंटेड कास्ट ऑफ दिस रॉबर्ट डोनी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड वाट आई पर्सनली थिंक दैट मस्ट ऑफ एंड सिटीजन ए लाइक मिस इन माई ओपिनियन इज मच लाइक डू लिटिल द पोलोट इज गुड मोस्टली यूनिवर्स of itself but of this together but friends itself the ends and everything of this good together of this I have every scene Have hope this do little I have a romantic journey and good thing about I love this I throughout it was lovely little whims skeggle film of this genius animal and beautiful scenes maro the story is simple but effective and highly entertaining the animal graphics very fantastic absolutely wonderful done and the design of the sanctuary of this was cute magical the little nice and trends very delightful little addition of this house really do not understand why people say this movie is awful of I was found is I throughout enjoyable watch this of this good one key of this robot and good think about meaningful natural of this adventure super film of this movie actually note of this few minutes of call of this good I like the film because of it gives and good adventure and something we don't of usually see but this film I was definitely missing emotional when the The little boy was kissed by the little girl has just stood there are good claim of renew of this boy and yet did nothing and when the tiger berry and was introduction there was no exit of fear of what of going to happen it next it just of this good had mummy issue the movie was not like the trailer and definitely could have used more democratic music especially when this boy and had good think about get past the sleeping lions a good few things very and sense available like the democratic complaining about the girlfriend dreaming of his home and waking up to the lion of leading on on the good and chamber of this good think about somehow this of disaster and good was definitely personality amazing of remix I good do recommended watching this movie for this family movie night at definitely is good but there were few many things that could have been work on good job to all who made the movie congratulations and I hope when making your next movie or consideration these things as pull off this audience heart bring at this good their fairy style this movie was much of this Arthul film it will become one of this all time greats you silly and super funny incident I think all the actors and actress very incredible and a 5-star for sure did and a great movie for all time for anyone who prize friendship intelligence and the portrayal of life in this love and teamwork kids and adults with lunk a like of this the animal animation of flawless a great film with a great story lots of fantastic lands as well done very ligament is of this good storyline telling of this several I watchable this last few minutes of this very fantastic I love it very nice and Robert Downey Jr. is another role with mass of Iron Man the cast she was so much fun of this so many lovely especially for kids there is nothing do little did too little for this it was really will act the animal very funny and silly exit was and children
चिल्ड्रन बुक वुड हैव बीन दिस रियली एंड सुपर संडे आफ्टरनून व्यू ऑफ दिस गुड एंड गुड ए नाइस एंड टच टैल ऑफ रतिरामन ऑफ दिस गुड एंड गुड थिंक अबाउट कंप्लिंग ए कंप्लीटली एंजॉय दिस मूवी एज वन आई कुल्ड बॉय एंड वॉच मैनी टाइम्स आर डी जे हैज बिकम वन ऑफ दिस वेरी फेवरेट फ्रॉम दिस ईयर एज आयरन मैन बट आई गिव बिग कूडोज टू द होल कास्ट इन द वर्ल्ड विदाउट विजार्ड्स एंड वॉन्स ऑफ दिस ड्रैगन वर्क ऑफ दिस एनअप एंड गिव कंसीडेशन डेप्थ ऑफ दिस एनिमल ब्रेड करैक्टर अब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिफ्रेशिंग एडेप्शन फॉर दिस करैक्टर हु वॉज बिट वॉरिड ऑफ दिस वेरी एनिमल्स रॉबर्ट डोनी जूनियर हिलेरियस एंड एडल्ट्स ऑफ दिस गुड फैंटास्टिक सपोर्टिंग डू लिटिल सी इज और स्किप एंड व्यू डू लिटिल इज न्यू रोबोट ऑफ दिस सम क्लासिकल एंड इज मूवी स्टार्टिंग आर डी जे एंड ए लिस्ट ऑफ डिसेंट एक्ट्रेस विच इज अब्सोल्युटली डू लिटिल एंड दिस एनिमल हु टू अनोदर ह्यूमंस डू दैट ऑफ दिस गो ऑन इपिक एडवेंचर विच डज नॉट हैव सम इंटेंसिटी मूवमेंट्स लाइक वन आई गो ट्रीफ्राइड ऑफ दिस वेरी वॉयलेंस इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट लाइफ सो अबाउट फोर पॉजिटिव मैसेज आई विल टिल दैट द मैसेज इज द डू लिटिल सेज एंड दिस डूड ऑफ लैंग्वेज वेयर ऑफ दिस गुड एंड टॉकिंग अबाउट वॉयलेंस सेलेक्शन ऑफ दिस कुल्ड हैव बीन अलॉट बेटर ग्राफिक्स एंड सीट ग्रेट एंड अप सम व्यूज ऑफ दिस टू फास्ट पेस ऑफ दिस इश्यू दैट नाइस फ्रेमवर्क ऑफ दिस सिटीजन वी रेड The review with a again so salt the review depends of this very fantastic kudos to the careful a full enjoyable family movie really glad that I ignore such space citizen watch in with my 6 year old son and we both and had a very good time no need to worry about and contents country to the any of thom superhero movie of this good think about full of this very it was very enjoyable film साल 2020 में रिलीज हुई डू लिटिल मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी टॉम हॉलैंड के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था डू लिटिल मूवी था। जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी फैमिली और एडवेंचर की कैटेगरी की फिल्म जो कि डू लिटिल मूवी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 41 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 41 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2020 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूजर्स ने 74% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 5.6 है और इस मूवी की रिलीज डेट 17 जनवरी 2020 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर स्टेफन गगन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं डू लिटिल मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। डू लिटिल रिव्यू माई रेटिंग ऑफ दिस कम बैक एंड गुड स्टेफन गगन डायरेक्टर हिज 2020 एग्जिट एडवेंचर द फ्यूचर ए स्टार स्टूपिड कास्ट एंड गुड स्कोर द एटलिस्ट एडेप्शन ऑफ हंज लोटिंग ऑफ दिस नोवल एंड रॉबर्ट डोनी जूनियर स्टार्स एज द टिटुलर ऑफ डायरेक्टर डू लिटिल हु आफ्टर सफरिंग ए ट्रेगिक लॉस एंड क्लोज द डोर्स होप दिस एनिमल सेंचुरी ऑफ दिस बिकम ए गुड थिंक अबाउट एंड फाइंड ए मैजिकल ट्री दैट होल्ड्स पावर टू क्यूर द क्यून ऑफ इंग्लैंड द जनरी डोंट ऑप दिस ईजी आइसलैंड द सिक्स हैज नोट दिस प्रीवियस मिशन आर गुड थिंक अबाउट ऑफ RJD गिव्स ए ब्रिलियंट पोर्टेबल ऑफ द डॉक्टर दैट कंपेरिजन बाय द क्यू
क्वेश्चन अवेलेबल वाज नॉट डिसेंट हाउ एवर हिज परफॉर्मेंस वू नॉट विनिंग डोने एंड एनी अवार्ड्स नॉट दिस लॉन्ग शॉट न्यू कमर हैरी कलेक्ट गिव्स ऑफ दिस गुड डू लिटिल इज नॉट ए फिल्म टू टेकन ऑफ सीरियसली इज मोरी जस्ट यूनिवर्सल अटैम्प्ट बाई प्रोवाइडिंग 130 minutes ऑफ दिस चाइल्ड फ्रेंडली इकोसोप ऑफ दिस गुड एंड पर्टिकुलर एनिमेटेड टूवर्ड्स अडल्ट बट द कलरफुल वाइब्रेंट सिनेमाटोग्राफी मैक्स मी एंड एडॉप्शन ऑफ व्यूजफुल फीस्ट फॉर चिल्ड्रन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ड्यू द इट इज लाइट हार्ट बेलेस ऑफ दिस डू लिटिल डज नॉट डील ऑफ दिस थ्री ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट ड्रॉपिंग ट्राइपिंग ऑफ दिस यू योर वॉचिंग स्कोर ऑफ ओवरऑल स्टेप गगन एंड डू लिटिल इज वाइब्रेट फैमिली फ्रेंडली आफ्टर ऑफ दिस एलिमिनेट ऑफ ऑल द एज 131 ऑफ नीड्स ऑफिसर जीनियस एसिन्स मार ऑफ टैलेंटेड कास्ट ऑफ दिस रॉबर्ट डोनी ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन ऑफ दिस गुड वाट आई पर्सनली थिंक दैट मस्ट ऑफ एंड सिटीजन ए लाइक मिस इन माई ओपिनियन इज मच लाइक डू लिटिल द पोलोट इज गुड मोस्टली यूनिवर्स of itself but of this together but friends itself the ends and everything of this good together of this I have every scene have of this do little I have a romantic journey and good thing about I love this I throughout it was lovely little poems is kekal film of this genius animal and beautiful scenes maro the story is simple but effective and highly entertaining the animal graphics very fantastic absolutely wonderful done and the design of the sanctuary of this was cute magical the little nice and trends very delightful little addition of this house really do not understand why people say this movie is awful of I was found is I throughout enjoy available watch this of this good one key of this robot and good think about meaningful natural of this adventure super film of this movie actually note of this few minutes of call of this good I like the film because of it gives and good adventure and something we don't of usually see but this film I was definitely missing emotional when the The little boy was kissed by the little girl has just stood there are good claim of renew of this boy and yet did nothing and when the tiger berry and was introduction there was no exit of fear of what of going to happen it next it just of this good had mummy issue the movie was not like the trailer and definitely could have used more democratic music especially when this boy and had good think about get past the sleeping lions a good few things very and sense available like the democratic complaining about the girlfriend dreaming of this him and waking up to the lion of leading on the good and chamber of this good think about somehow days of disaster and good was definitely personality amazing of remix I good do recommended watching this movie for this family movie night at definitely is good but there were few many things that could have been work on good job to all who made the movie congratulations and I hope when making your next movie your consideration these things as pull of this audience heart bring at this good their fairy style this movie was much of this Arthul film it will become one of this all time greats you silly and super funny incident I think all the actors and actress very incredible and a 5-star for sure did and a great movie for all time for anyone who prizes friendship intelligence and the portrayal of life in this love and teamwork kids and adults with lung a like of this the animal animation of flawless a great film with a great story lots of fantastic lands as well done very ligament is of this good storyline telling of this survival I watchable this last few minutes of this very fantastic I love it very nice and Robert Downey Jr. is another role with mass of Iron Man the cast she was so much fun of this so many lovely especially for kids there is nothing did too little for this it was really well acted the animal very funny and silly exit was and children
चिल्ड्रन बुक वुड हैव बीन दिस रियली एंड सुपर संडे आफ्टरनून व्यू ऑफ दिस गुड एंड गुड ए नाइस एंड टच टैल ऑफ रतिरामन ऑफ दिस गुड एंड गुड थिंक अबाउट कंपलिंग ए कंप्लीटली एंजॉय दिस मूवी एज वन आई कुड बॉय एंड वॉच मैनी टाइम्स आर डीजे हैज बिकम वन ऑफ दिस वेरी फेवरेट फ्रॉम दिस ईयर एज आयरन मैन बट आई गिव बिग कूडोज टू द होल कास्ट इन द वर्ल्ड विदाउट विजार्ड्स एंड वॉन्स ऑफ दिस ड्रैगन वर्क ऑफ दिस एनअप एंड गिव कंसीडेशन डेप्थ ऑफ दिस एनिमल ब्रेड करैक्टर अब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिफ्रेशिंग अडेप्शन फॉर दिस करैक्टर हु वाज बिट वॉरिड ऑफ दिस वेरी एनिमल्स रॉबर्ट डोनी जूनियर हिलेरियस एंड अडल्ट ऑफ दिस गुड फैंटास्टिक सपोर्टिंग डू लिटिल सी इज और स्कीप एंड व्यू डू लिटिल इज न्यू रोबोट ऑफ दिस सम क्लासिकल एंड इज मूवी स्टार्टिंग आर डीजे एंड ए लिस्ट ऑफ डिसेंट एक्ट्रेस विच इज अब्सोल्युटली डू लिटिल एंड दिस एनिमल हु टू अनोदर ह्यूमंस डू दैट ऑफ दिस गो ऑन एपिक एडवेंचर विच डज नॉट हैव सम इंटेंसिटी मूवमेंट्स लाइक वन आई गो ट्रिफ्राइड ऑफ दिस वेरी वॉयलेंस इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट लाइफ सो अबाउट फोर पॉजिटिव मैसेज आई विल टिल दैट द मैसेज इज द डू लिटिल सेज एंड दिस डूड ऑफ लैंग्वेज वेयर ऑफ दिस गुड एंड टॉकिंग अबाउट वॉयलेंस सेलेक्शन ऑफ दिस कुल्ड हैव बीन अलॉट बेटर ग्राफिक्स एंड सीट ग्रेट एंड अप सम व्यूज ऑफ दिस टू फास्ट पेस ऑफ दिस इश्यू दैट नाइस फ्रेमवर्क ऑफ दिस सिटीजन वी रेड The review with a again so salt the review depends of this very fantastic kudos to the careful a full enjoyable family movie really glad that I ignore Satisfied Citizen watch in with my 6 year old son and we both and had a very good time no need to worry about and contents country to the any of Tom superhero movie of this good thing about full of this very it was very enjoyable.